गाइस, ये सोनी का टीवी है, सीआरटी है, तो आप इसमें देख सकते हैं कलर के लिए नया कोई अपडेट N2 ज़्यादा आ रहा है, ग्रीन आई नहीं है, तो इसमें कलर का प्रॉब्लम नहीं आता। कि अच्छी लग रही थी बट कलर का प्रॉब्लम नहीं आता। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसमें नेचुरल कलर सोनी का ओरिजिन कलर लेके आ सकते हैं चार्ज मार के। बता दो कि क्या क्या करना है। सबसे पहले आप सोनी का ये बेस ओपन कर लीजिए, क्योंकि इसमें दूसरा सोनी का बेस लगता नहीं है। बेस लगाने के बाद ये ग्राउंड हो जाता है, फर्स्ट स्क्रीन ग्राउंड हो जाता है, आप देख सकते हो ये फर्स्ट स्क्रीन ग्राउंड हो जाता है। और ये तीनों RGB होते हैं, और इसके बाद फिर ये ग्राउंड होता है, फिर ये दोनों हीटर होता है। जो हीटर से आप ये आप 12 वोल्ट का अडप्टर लगा के, ये 12 वोल्ट का अडप्टर लगाएंगे तो ये चालू हो जाएगा आपका। देखिए हीटर जलने लग गया, हीटर जलाए तो ये 12 वोल्ट हीटर देना ज़रूरी है। उसके बाद अब आपको दिखाता हूँ कि ये चार्जर कैसे बनाते हैं। ये है चार्जर जिससे आपको जो कलर कम आ रहा है वो कलर आप लगा सकते हो। आप देख सकते हैं ये ब्लैक और ये रेड, ये मेन पॉइंट है। यहाँ से एक आप एक डायोड बोलते, तो इसको ये डायोड यहाँ पर लगा सकते हो। और जो उसका इसमें से दो वायर निकलेगा, एक बार आप 0 वाट की बल्ब, ये देख सकते हैं आप 0 वाट की बल्ब है, ये 0 वाट की बल्ब लेके आप ये एक वायर ये होगा और एक वायर इसके कैपेसिटर के इससे निकलेगा ग्राउंड से। तो ये आ गया आपको एक वायर ये हो गया और एक वायर ये हो गया। आप समझ जाइए आप कैसा कैसा करना है। एक वायर ब्लैक वाला ग्राउंड मार रहा है, एक यहाँ से डायोड लेके जो मेन वायर होगा उसका ये यहाँ पे फर्स्ट पे मारो, और उसके बाद फिर यहाँ से एक डायोड लगा के इसके प्लस पे मार दो कंडेंसर के, और कंडेंसर में प्लस से ही एक वायर निकलेगा जो इस पर 0 वाट की बल्ब पे जाके लगेगा। 0 वाट की बल्ब लेके लगेगा तो फिर आप ये जो से 2 वायर जो निकल रहा है, एक ये मैं दिखा रहा हूँ मार दिया है, ये वायर मैंने ग्राउंड मारा है जो कंडेंसर का ग्राउंड होता है। ये मैंने जो कंडेंसर का ग्राउंड आ रहा है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, कंडेंसर का ग्राउंड आ रहा है वो मैंने इसके कैथोड पे मारा है, मतलब कलर का जो तीनों पिन होता है तो एक कलर के पिन पे मारा है। और ये वाला ग्राउंड है, तो ये वाला मैंने जो यहाँ से निकलता है ये इससे ये प्लस पे आ रहा है, ये वायर जो 0 वाट की बल्ब है ये इसके प्लस से आ रहा है। तो आप यहाँ पे लगाया, और उसके बाद आप सबसे पहले आप इसका हीटर जलने लग गया। उसके बाद आप साथ में दोनों, ये ध्यान रखना कि साथ में ही दोनों लगने को चाहिए। देखिए अब बल्ब जल रहा है, ये कम ज़्यादा होगा, मैंने बंद कर दिया, 2-3 बार आपको करना है। ये देखो ऐसा कम ज़्यादा होगा, कम ज़्यादा होगा समझ लीजिए चार्ज हो गया है। चार्ज हो गया, अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक बार मैंने एक पिन छोड़ के मैंने दूसरे वाले पिन पे मार दिया। ठीक है, देखिए इसमें देखिए चार्ज हो गया। परफेक्ट चार्ज हो गया सर। चार्ज हो गया, अब रहा तीसरा। तो अभी ये फर्स्ट वाला निकाल दिया, ये तीसरे कलर में लगा दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने ये तीसरे कलर में लगा दिया, आप फिर से देख सकते हो। ये भी चार्ज हो गया,
अच्छा बल्ब आराम आराम से जलेगा, पहले हल्का जलेगा फिर आराम से फुल जलने लगेगा। अब हीटर भी जल रहा है और ये भी जल रहा है, मतलब ये ट्यूब एकदम परफेक्ट चार्ज हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर कैसे आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो ये एकदम क्लियर हो गया है, एकदम नेचुरल कलर आपका जैसा आ रहा था एकदम क्लियर हो गया, सोने का एकदम पहले जैसा हो गया। तो ये पहनना आपको एकदम आसान है, आप देख सकते कलर एकदम परफेक्ट आ गया है, क्योंकि कलर क्लियर दिखता नहीं है, एक कलर एकदम परफेक्ट आ गया है। हे गाइस अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने आसानी से आप ये बना सकते हो ये चार्जर। आप देख सकते हो तो कुछ नहीं करना है, बस ये ब्लैक वाला है रेड मेन वायर हो गया ये वाला, और उसके बाद एक सिंगल वायर आ रहा है यहाँ पे, ये माइनस से आ रहा है, और जो प्लस से आ रहा है वो आप ये प्लस से ये सीरीज में कैसे लगाना है, सीरीज में आपको बल्ब लगाना है, मतलब एकदम आसानी से आप कोई भी ट्यूब सीआरटी का कोई भी ट्यूब आप चार्ज कर सकते हो, कौन सा भी कलर आ रहा हो ना आ रहा हो कौन से भी आसानी से जा सकते हो। थैंक यू सो मच।